केस स्टडी पीहू। मुझे हमेशा से अपनी जॉब फ्रंट पर स्ट्रगल करना पड़ता है। आई वर्क हार्ड ऑल ईयर बट व्हेन इट कम्स डाउन टू माय रिम्यूनरेशन आई डोंट गेट प्रॉपर पे पैकेज। बॉस डोमिनेट करते हैं, स्ट्रेस होता है हमेशा एट माय वर्क प्लेस ड्यू टू ऑल दीज रीजंस। दो एट फैमिली फ्रंट मुझे फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है, मैं बस चाहती हूँ अपने लिए कुछ बोल पाऊँ। बहुत बार मुझे अपने लिए कुछ मांगना या सैलरी रेस मांगना भी बहुत बड़ी चीज़ लगती है, हेसिटेशन होती है, जबकि मुझे पता है मैं डिजर्व करती हूँ। आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड आई नो कुछ तो रीज़न होगा इसका मेरी पास्ट लाइफ से। मैं एथिकल रिम्यूनरेशन ही चाहती हूँ, ना मुझे मिल पाता है ना मैं उसके लिए फाइट कर पाती हूँ। Why is that? I wish to understand. Pihu is a young and smiling girl. At her workplace, everyone loves her, apart from her bosses. अपने लिए ना बोल पाने का रीजन क्या है? I was myself intrigued to know about. So, we fixed up a day for her online PLR session. The session begins. Pihu was a super excellent subject. मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस पूरे भी नहीं हुए थे कि वो अभी क्लियरली सब विजुअल्स एंड फीलिंग्स देख और महसूस कर पा रही थी। सब कुछ सफेद है यहाँ, वाइट बर्ड्स, वाइट ट्रीज, सेंट्स हैं, सबने वाइट पहना हुआ है, इवॉल्व्ड सोल्स हैं ये सारी। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। कहाँ रहते हैं ये सेंट्स? मेहर लोक, अर्थ से थोड़ा ही ऊपर है। ओके, एंड व्हाट एल्स डू यू सी? नानक जी जैसे लग रहे हैं, मेरी तरह और भी कुछ लोग हैं, उनको कुछ सिखा रहे हैं। अनकंडीशनल लव को प्रैक्टिस करना चाहिए, यही सिखा रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग मतलब सूफी लोग? मैं भी एक सूफी ही था, मुझे अर्थ में इसलिए आना पड़ा अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करने के लिए। यही मैं सीख सकता था कैसे अनकंडीशनल लव करें। मुझे अर्थ में खुद प्यार फील करने के लिए ब्यूटीफुल लविंग फैमिली मिली है। मैं इस बर्थ के बारे में बात कर रही हूँ, बट मैंने सूफी बर्थ भी लिया है एक लाइफ में। मुझे तब पैसा नहीं चाहिए था, मेरा लाइफ लेसन था टू लव अनकंडीशनली। व्हेन आई आस्क्ड हर डियर गाय टू टेक हर टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइफ ऑफ हर्स वेयर शी कैन फाइंड आंसर्स इन रिलेशन टू हर करंट लाइफ, पीहू सेड इमीडिएटली, मैं वही हूं, फतेहपुर सीकरी जगह है ये, शायद 1586 ईयर लग रहा है, ऐसा ही फ्लैश हो रहा है। It can be my birth year or that period, I'm not sure. But हाँ, monuments वगैरह जो बनते हैं ना, workers, सब उनका मैं actually खाना बनाती हूँ, जितने भी workers हैं। मैं एक सिख लेडी हूँ, ब्लू कलर का सलवार कमीज, वाइट चुनरी है मेरे सर पर, और मैं मिडिल एजड हूँ। सब अम्मा बुलाते हैं मुझे। workers मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे खुद के कोई बच्चे नहीं। आई लव देम ऑल। मुझे माँ बुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीन में पीहू जोर से रोने लगी, सबको मार दिया मेरे सामने, सबको मार दिया। किसको मार दिया पीहू? रीजन क्या है मारने का? वर्कर्स जिन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। मुझे फ्लैश दिख रहा है, अब मुझे शाहजहां के बेटे औरंगजेब के अंदर ये सारी चीजें किलिंग्स हो रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत ब्रूटल है। कुछ वर्कर्स को बड़ी बड़ी कढ़ाई जैसे ऐसा कुछ है जिसमें खोला के तेल उबाल रहे हैं और उसमें मार रहे हैं। मैं देख नहीं पा रही हूं, मैं खुद भाग रही हूं फॉर माई ओन लाइफ।
मैंने कसम खाई है, अगर इतना काम कर कर भी किसी को इतनी बेरहमी से मारा जाए तो इतना मेहनत करने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। पीहू की आवाज में बहुत दर्द था, जैसे वो सब फिर से फील कर रही हो। कुछ सेकंड्स बाद जब वो शांत हुई, शी स्लिप्ड इनटू अनदर पास्ट लाइफ ऑफ हर्स। मैं एक सूफी हूं, मेरे पास एक हिरन है बहुत सुंदर। इसकी वाइब्रेशंस ना मेरी करंट लाइफ की ममा है ना उससे मिल रही है। आई लव माई डियर सो मच। पुरानी दिल्ली में कोई जगह है, मैं उसके पास हूँ। मैं सूफी हूँ, सिर्फ भगवान को याद करता हूँ, थोड़ा भीख मांग लेता हूँ सिर्फ बेसिक खाना खाने के लिए। अपने हिरन को खिलाने के लिए तो पैसे थोड़े चाहिए ही हैं। मुझे अर्न नहीं करना, मैंने ये कसम खाई है। मैं लोगों को एडवाइस या सजेशंस देता हूँ, कभी हौसला देता हूँ, बदले में कुछ पैसे दे देते हैं लोग, मेरा गुजारा उसी से होता है। मुझे खाने का भी कोई शौक नहीं, बस अपने हिरन के लिए थोड़ा खाना हो जाए वही बहुत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीन में पीहू ने देखा कि कोई उसका हिरन छीन कर ले जा रहा था। शी स्टार्टेड क्राइंग अगेन। मेरे अंदर कम खाना खाने की वजह से ताकत ही नहीं बची, मैं फाइट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत बहुत रोकने की कोशिश करी पर ये पठान मेरी नहीं सुन रहा, उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया और मैं गिर गया। आई थिंक मैं 47 के आसपास हूँ। आगे पीहू को जब मैं ले गई तो उसने बताया, 7 दिन हो गए हैं मेरा हिरन वो ले गए और फिर वापस कभी नहीं आया। मुझे नहीं पता क्यों ले गए, पर मैं खाना नहीं खा सकता इसलिए मैंने सब छोड़ दिया है पूरी तरह से। मुझे नहीं रहना इस शरीर में, मेरा प्यार सिर्फ वो हिरन था, वो भी मेरे पास नहीं। When Pihu left her body, she felt extremely light। मैं नानक जी के पास गई, उन्होंने मुझे कहा मेरा हिरन वो मुझे वापस ला कर देंगे एक न्यू लाइफ में, फिर से वो दे देंगे मुझे मेरा हिरन, हम अलग नहीं हुए हैं। हिरन का बर्थ मेरी माँ के रूप में हुआ है इस लाइफ में, करंट लाइफ में। मुझे मालूम है ये बात, अभी नानक जी से पता चली है। पीहू एडेड, द हायर बींग्स टोल्ड हर शी शुड हैव टेकन स्टैंड इन अ लाइफ। कर्म करना जरूरी था, आई नीड टू बी ब्रेव। पीहू ऑल्सो सेड दैट सम बरकत वर्ड इज फ्लैशिंग अगेन एंड अगेन। बेस्ट पार्ट इज बींग बंगाली herself, she never heard about it before। पीहू ने अचानक से एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन रिवील करी। 49 सोल्स हैं, स्टक सोल्स अर्थ में, ये स्टक स्पिरिट्स हैं और मेरे घर के आसपास हैं सारी। आई सी, यू मीन योर करंट लाइफ हाउस पीहू? यस एब्सोल्युटली। कुछ मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स। However, I am still protected by Baba Deep Singh Ji। Aha, okay। ये तुम्हारे ऑरा के पास है या तुम्हारे अंदर? नहीं, ये सब मेरे घर के आसपास है। और ब्रिटिश एरा में कोई फेमिन आया था कोलकाता में, कुछ सोल्स यहाँ पास में एक जेल है ना, सेंट्रल जेल, वहां पे कैद थे, मर्डर किया था उन्होंने। ये दोनों जगह की सोल्स इकट्ठी हैं। जब मैं कैब से घर जा रही थी ना रात को, इस एरिया से मैं गुजरी थी, तब ये सारी सोल्स मुझे फॉलो कर मेरे घर तक आ गई। और एक छोटा सा बच्चा भी है इनमें, ऑर्फन था, कूड़ा उठाता था जेल के बाहर से। वो मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसको मुझसे मदरली वाइब्रेशंस मिलती हैं। 6 ईयर्स के आसपास का है, कुछ पॉइजनस था गार्बेज में, उसने खा लिया था इसलिए वो मर गया। द सेशन केम टू अ क्लोजर आफ्टर वी डायरेक्टेड ऑल द स्टक सोल्स टू इमर्ज टुवर्ड्स द वाइट लाइट। पीहूज ऑरा वाज सो प्योर दैट द स्टक सोल्स वांटेड टू बी अराउंड हर, लविंग एंड काइंड एनर्जी।
आखिर में प्यार तो सभी को चाहिए, फिर चाहे वो जिंदा हो या ना हो. Gently I brought Pihu back to her consciousness. Pihu की केस स्टडी कितनी इंटरेस्टिंग है. वो एक बंगाली फैमिली से हैं एंड उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सिखिज्म इज अमेजिंग. उनको इस लाइफ में बहुत ज़्यादा गुरुद्वारे से अटैचमेंट है, या वो वहाँ जाती हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि कई बार वो ओवरवेल्म हो जाती हैं. अगर हम बात करें उनकी पास्ट लाइफ की, तो वो सिखनी थी, उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था बिकॉज शी हैड दोज मदरली वाइब्स, जो करंट लाइफ में भी है. उनको उनके जो कलीग्स हैं, जो बहुत सारे लोग उनके आसपास हैं, उनसे पीहू से एक मदरली वॉर्म्थ मिलती है. वो सोल याद है आपको जो स्टक सोल थी इस केस में, वो बच्चा क्यों अट्रैक्ट होके आया, अगैन वो मदरली वॉर्म्थ वो रेडिएट करती हैं इस लाइफ में भी, विच वॉज वेरी नेचुरल. जब वो पास्ट लाइफ में थी, उनकी कोई संतान नहीं थी और जितने भी वर्कर्स थे उनके लिए खाना बना के उनको बहुत अच्छा लगता था, और जब वो अम्मा बुलाते थे तो उनको बहुत अच्छा फील होता था. ये सारी सिचुएशंस जो हमने ये टाइम पीरियड देखा, उन्होंने 1586 बताया. सी, जब हम पास्ट लाइफ में एक ईयर देखते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी वो बर्थ ईयर होगा, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो डेथ का टाइम है. एक फ्लैश आपके सामने आ सकता है एंड दैट ईयर कैन ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट ईयर. कुछ उस टाइम पीरियड में हुआ था स्पेशल या उसके आसपास का, आपका सबकॉन्शियस जो आपको दे रहा होता है इन्फॉर्मेशन, उसको आपको आसानी से एक्सेप्ट करना चाहिए सो दैट इट कैन शो यू मोर. तो अगर हम बात करें इस पीरियड की, 1586 का टाइम पीरियड जो उन्होंने बताया, हाँ हमने बाद में रिसर्च करी तो हमें पता चला येस इट वॉज अ टाइम पीरियड जब बहुत सारे मोन्यूमेंट बने फतेहपुर सीकरी में, एंड शाहजहाँ भी वहीं थे, औरंगजेब, इन सब का जो एक फेस था लगभग उस एरा के आसपास का ही था. दूसरी चीज़ जो उन्होंने फील करी, जो खुद बताई, जो एनालाइज करा उन्होंने पीहू ने, वो ये था कि पीहू इस लाइफ में थोड़ी हेल्दी है, उनको खाना लगता भी अच्छा है, ज़्यादा लगता है, और पिछले लाइफ में उन्होंने देखा था एज अ सूफी खाने को वैल्यू नहीं करा, बस सर्वाइव कर रही थी. एंड जब उनका हिरन चला गया तो वो भी उन्होंने छोड़ दिया, स्टार्वेशन से डेथ हुई थी, और वो वीक थी. क्योंकि वो वीक थी पास्ट लाइफ में और वो अपने हिरन को बचा नहीं पाई, क्योंकि शरीर उनका एकदम कमज़ोर था, इस लाइफ में उन्होंने खाना खाया या जो भी उनके हैबिट हैं उससे उनका शरीर थोड़ा सा फूला हुआ है, या फिर हम बोलेंगे कि पहले से अभी उनका वेट ज़्यादा है. जो पीहू ने खुद ये बात बताई मुझे कि अब मुझे ऐसा लगता है कि आई अंडरस्टैंड मेरा ऐसा शरीर अब क्यों है, क्योंकि पास्ट लाइफ में मैं वीक थी, इस लाइफ में मैं अब मजबूत हूँ, मुझे पता है अब मुझे मेरे साथ ऐसा कोई नहीं करेगा, मेरा हिरन कोई नहीं लेके जाएगा, विच इज़ सो ब्यूटिफुल. आप इससे रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों से, और अगर आप समझना चाहें इन लेसन्स के थ्रू, ये जो पास्ट लाइफ आप विजिट करते हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन आपको करनी होगी. थेरेपिस्ट आपको थोड़ी चीज़ें हिंट दे सकता है, पर आपको इंट्रोस्पेक्ट खुद करना होगा कि क्या सीख रहे थे, आपकी ट्रेट्स क्या मैच कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं. ये चीज़ें आपको खुद एनालाइज करनी होगी, आपके लेसन्स भी आपको एनालाइज करने होंगे. थर्ड थिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, हमारे सामने आई है एज अ लर्निंग, कभी भी हम जब पेन में होते हैं, कहते हैं ना गुस्से में जब हो आप या बहुत खुश हो तो वादे नहीं करने चाहिए, गुस्से में बोलना नहीं चाहिए. कई बार हम वाउज ले लेते हैं, मैं अब शादी नहीं करूँगा या करूँगी, मैं अब आपके इसके घर कदम नहीं रखूँगा या रखूँगी, मैं अब पैसों को वैल्यू नहीं दूंगी बिकॉज पैसों ने क्या किया. जैसा जब उन्होंने पास्ट लाइफ में देखा कि उन्होंने इतना सारा काम करा और बदले में उनको नहीं मिला कुछ, एज इन इतने वर्कर्स मर गए ब्रूटली जिनकी डेथ हुई, तो उनको ये चीज़ सताने लगी, इस वजह से उन्होंने वाव लिया. सूफी लाइफ में भी अगर देखा जाए तो वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वाव, क्योंकि सूफी वाली लाइफ में भी उन्होंने यही चीज़ सोची कि पैसों से क्या होगा, इट्स फाइन, पैसा इम्पोर्टेंट है, इस अर्थ में आप आए हो डेफिनेटली, आप सर्वाइव कैसे करोगे, आप अपने लव वंस को कैसे ख्याल रखोगे उनका. सो पैसा इम्पोर्टेंट है, बट उससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है आपके इंटेंशंस. तो पैसे को अगर आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको भी प्यार दीजिए. ओथ वाउज और कस्मे वादे यूं ही ना खाएं, प्लीज़ समझिए कि एक आवाज़ दिल से निकली हुई आवाज़ सच हो सकती है. जैसे हम बोलते हैं दुआ जब हम करते हैं वो सच हो जाती है अगर दिल से करी गई हो. सो माइंड यू ऑलवेज स्पीक व्हाट यू कैन डू, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एंड कभी भी दुख में या कभी गुस्से में कोई भी चीज़ ऐसे ना बोले, कभी एक्साइटेड होके कोई चीज़ ऐसी कमिट ना करें जो आप
नहीं कर सकते, बिकॉज आपके वर्ड्स आपको फॉलो करेंगे, चाहे ये लाइफ हो चाहे बाद की लाइफ हो. सो गाइज, आई होप यू आर डूइंग गुड. अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप चाहते हैं आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं. माई आई डी इज द सेम वन, सोल हीलर अंजुम. टेक केयर, नमस्ते.